कि जब भी कोई भी फीमेल ये एक्सरसाइज शुरू करे उससे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट की वो सलाह ज़रूर लें कि क्या वो फिट हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बीपी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी क्लोथिंग्स बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, फॉल बहुत कॉमन रहता है इसमें, तो ध्यान दीजिए जहां आप जिस सरफेस पे कर रहे हैं वो क्लीन, क्लियर ऑफ क्लटर रहे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आप अपनी मूवमेंट्स के साथ आप इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम नेक की मूवमेंट्स कर रहे हैं, इसको आप ब्रीदिंग के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको सीधा लेटना है। अगर सीधा लेटने में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप यहाँ पे नीचे दोनों टांगों के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं। फिर आपने अपने हाथों को दोनों को पीछे लेके जाना है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। प्रेगनेंसी गाइड पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक की आप डॉक्टर सीमा के साथ पूरी सीरीज़ हमने बनाई है, वो देख सकते हैं, उसमें सारी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रेगनेंसी में ये भी कहा जाता है कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हो और कंफर्टेबल रहे प्रेगनेंसी की जर्नी, उसके लिए। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, एरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। एक्सरसाइज कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप करिए, आप किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स आप सब कुछ बताइए। देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है एक फीमेल के लिए। 9 मंथ्स की होती है, लोग कई बारी कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, बट एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई भी फीमेल ये एक्सरसाइज शुरू करे उससे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट की वो सलाह ज़रूर ले कि क्या वो फिट हैं एक्सरसाइज करने के लिए या नहीं। अगर नहीं तो वो बेड रेस्ट ही करे, और ऐसे नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसके लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर तो बीपी कई लोगों का फॉल कर जाता है, इसमें कईयों का शूट कर जाता है, तब हमने ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। बीपी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी क्लोथिंग्स बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, फॉल बहुत कॉमन रहता है इसमें, तो ध्यान दीजिए जहाँ आप जिस सरफेस पे कर रहे हैं वो क्लीन, क्लियर ऑफ क्लटर रहे, हाइड्रेशन लेवल ठीक रहे, खाना आपको आधा घंटा पहले खा लीजिए, एक्सरसाइज के इमीडिएटली पहले या इमीडिएटली बाद ना खाइए। सो इन बातों का ध्यान रखना है। अब कौन सी एक्सरसाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, अब आप वो बताएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें वॉक करना चाहिए और साथ साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। डीप ब्रीदिंग में हम नाक से लंबी सांस लेते हैं और मुंह से बाहर, ये आप 2 से 3 बारी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है। 2 से 3 बार इसका मैक्सिमम स्पेल रखिए। साथ साथ में जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा, जैसे कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आप अपनी मूवमेंट्स के साथ आप इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम नेक की मूवमेंट्स कर रहे हैं, इसको आप ब्रीदिंग के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे साथ साथ में हम दूसरी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, वो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको सीधा लेटना है। अगर सीधा लेटने में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप यहाँ पे नीचे दोनों टांगों के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं। फिर आपने अपने हाथों को दोनों को पीछे लेके जाना है। ये वाली एक्सरसाइज आप अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में यही सबसे बड़ा है कि आपको जो पोस्चर कंफर्टेबल लगे आपको उसी पोस्चर में करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लेट के करना है कि खड़े होके करना है, जब समय मिले तब करना है। अपनी बॉडी को थकाना नहीं है कि ये अब आज मुझे करना ही करना है। आप थ्राइस या 4 टाइम्स अ वीक भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ये आपको उतना ही बेनिफिट देगा अगर आप रोज़ कर रहे हैं। आपको ये एक्सरसाइजेस जितनी भी अभी बता रहे हैं वो आपको दिन में एक बार ही करनी है और 2 to 3 रेपिटिशंस, उससे ज़्यादा नहीं। हमने अपनी बॉडी को फटीग नहीं करना है। सेकेंडली, आप अपनी खड़े होके भी कर सकते हैं। जैसे आपने इधर कोई भी सपोर्ट लेना है, बिना सपोर्ट के आपने एक्सरसाइज नहीं करना है ताकि हम फॉल को प्रिवेंट कर सकें। आपने अपनी टांग को आगे लेके जाना है और फिर वापस पीछे, आगे और फिर पीछे। ऐसे ही आपने इसको पकड़ के इसको साइड में और फिर अंदर, बाहर की तरफ और फिर अंदर। अब हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। इसमें मैं आपको कुछ सेफ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो आप दोनों ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं और लास्ट में मैं आपको 1-2 एक्सरसाइजेस ऐड ऑन कराएंगे जो आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड ट्राइमेस्टर में करनी है। अब सबसे पहले हमने इजी क्या है कि हम नीचे से लेके, आपको पाँव से लेके पूरे बॉडी को मूव करना है ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग भी रहे और मोबिलिटी भी रहे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। बस ये ध्यान रहिए कि आपको कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम कभी भी पेट में या कहीं भी दर्द हो तो आपने उसी समय वो एक्सरसाइज को स्टॉप करना है। कोई ब्लीडिंग हो तब भी आपने स्टॉप करना है। आपने तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है उस समय पर। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम पाँव की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम बोलते हैं एंकल टू एक्सरसाइज। इसमें आपने पाँव को अपनी तरफ और फिर दूसरी तरफ, ये आपको दोनों पाँव को ऊपर की तरफ लेके आना है और फिर नीचे की तरफ, एक और ये वापस। इसे हम एंकल टू मूवमेंट्स कहते हैं। ये आप 3 से 4 बारी कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज, आपने अपनी इस टांग को ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है। इसी तरह आपने इसी एक्सरसाइज को दूसरी टांग में भी रिपीट करना है, ऊपर और फिर नीचे। ये आप ऑल्टरनेट दोनों लेग्स में कर सकते हैं। ये भी आप 2 से 3 बारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है, आपने अपनी टांग को बाहर की तरफ लेके जाना है और फिर अंदर की तरफ लेके आना है। सिमिलरली, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप दोनों तरफ कर सकते हैं, बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ। अब आप दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, हाथों को साइड में रखना है, फिर आपने अपनी कमर को ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और फिर नीचे। अब आपने, जब भी आप उठे प्रेगनेंसी के दौरान, एक करवट लेके, पकड़ के, सपोर्टेड लेके फिर उठना है। कभी भी आपने एक्सरसाइज करके एकदम से सीधा नहीं उठना, इससे आपका बीपी फॉल होने के बहुत चांसेस होते हैं और आपको वर्टिगो की फीलिंग रह सकती है। अब अगली एक्सरसाइज है आपकी ऊपर की, अपर लिम्ब की। इसमें आपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है और इसमें आप इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर और नीचे। सिमिलरली, इसको साइडवेज भी लेके जा सकते हैं। ये कुछ टॉप 4-5 एक्सरसाइजेस हैं जो एक महिला पूरी प्रेगनेंसी के दौरान थर्ड ट्राइमेस्टर से ले सेकेंड और थर्ड दोनों ट्राइमेस्टर में कर सकती हैं। ये आपने 3 से 4 बारी, नॉर्मली हम बोलते हैं ये सेफ रहती है। हफ्ते में आपने 3 से 4 बारी करनी है, पूरा नहीं करनी है। वॉक आप डेली कर सकते हैं। स्विमिंग अवॉइड करिए और ध्यान दीजिए कोई भी स्लिपरी जगह पे, गार्डन एरिया में ये एक्सरसाइजेस करने के लिए बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि आपके पाँव स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐड ऑन करते हैं वो ये है कि आप वॉल के साथ अपनी पीठ को, अपनी कमर को बेसिकली आपने पूरा सपोर्टेड रखना है, दोनों टांगों को खोलना है और उसके साथ ही आपने नीचे बेंड होना है और फिर वापस ऊपर। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यूरिंग योर थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ध्यान दीजिए आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो घर का कोई मेंबर आपके साथ हो कि आपका फॉल ना हो। आप आगे से उनका हाथ पकड़ सकते हैं या कुछ सपोर्ट कर सकते हैं दोनों हाथों से, और फिर यही सेम एक्सरसाइज नीचे और फिर ऊपर।